Hello friends, my name is Sartaj. Today, in this video, I will show you my latest project, Plus. Plus is professional lighting system for streets and stairs. Plus को मैंने ऐसा कोड करा है कि अगर कोई कार LDR 1 की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और LDR 2 की तरफ जाएगी तो ये स्ट्रीट लैम्प ऑन हो जाएगी और अगर कोई कार LDR 2 की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और LDR 1 की तरफ जाएगी तो ये स्ट्रीट लैम्प ऑफ हो जाएगी। इसका ऑपोजिट मैंने LDR 3 और 4 के लिए रखा है। अगर कोई कार LDR 4 की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और LDR 3 की तरफ आएगी तो ये स्ट्रीट लैम्प ऑन हो जाएगी और अगर कोई कार LDR 3 की लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और LDR 4 की तरफ जाएगी तो अगेन लाइट ऑफ हो जाएगी। मैंने प्लस के लिए लेजर्स और LDRs इसलिए यूज़ करे हैं क्योंकि एक तो इनकी एक्यूरेसी बहुत होती है और इनकी रेंज हम काफ़ी ज़्यादा तक कर सकते हैं। इंफ्रारेड्स मैंने इसलिए नहीं यूज़ करे क्योंकि उसकी रेंज बहुत कम होती है और इतने एक्यूरेट नहीं होते वो। अब आप पूछोगे ये प्रोफेशनल क्यों है। अगर कोई कार LDR 1 से LDR 2 की तरफ जाती है और अभी बीच में ही है और अगर कोई और कार क्या तो LDR 4 से या तो LDR 1 से आती है तो ये स्ट्रीट लैम्प्स ऑफ नहीं होगी, ये ऑन ही रहेगी और आर्डुइनो जो है वो काउंट कर लेगा कि अभी अंदर 2 कार्स हैं। तो अगर एक कार निकल भी गई तो भी ये स्ट्रीट लैम्प्स ऑफ नहीं होंगे, ये ऑन ही रहेंगे क्योंकि अभी वो जानता है कि अभी एक कार बीच में है तो ये स्ट्रीट लैम्प्स ऑन ही रहेंगे और जब वो कार निकल जाएगी तो ये स्ट्रीट लैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। आप इसमें डिले भी लगा सकते हो 20 सेकंड्स का या फिर जितने टाइम का भी आपको लगाना है कि जब कोई कार निकल गई तो थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रीट लैम्प्स ऑन रहेंगे। आप प्लस को वन वे, टू वे या फिर मल्टीपल लेन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस की हर एक टेक्निकल डिटेल मैं आपको कोडिंग पार्ट में दिखाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा और ये कैसे काम करता है वो भी समझाऊंगा। सो नाउ हियर इज अ डेमो ऑफ इट वर्किंग। So now, let's go to the coding part. So, here is the code for plus. वैसे तो ये कोड काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पर फिर भी मैं आपको इसे एक बार समझा देता हूँ। वैसे तो कोड मैंने ये स्ट्रीट्स के लिए यूज़ करा है पर आप इसे स्टेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्टली मैंने 4 LDR मॉड्यूल्स को डिफाइन करा है। LDR 1 है A, LDR 2 B, LDR 3 है C और LDR 4 है D। उसके बाद मैंने इधर एक इंटीजर थ्रेशोल्ड डिफाइन करा। थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम वैल्यू एन LDR विल अचीव टू ट्रिगर ऑन और ऑफ द स्ट्रीट लाइट। उसके बाद मैंने एक काउंटर डिफाइन करा जो शुरू में 0 रहेगा।
और उसके बाद एक स्ट्रीट लाइट को डिफाइन करा डिजिटल पिन नंबर 2 ऑफ आर्डुइनो। उसके बाद मैंने इधर हर एक सेंसर को असाइन करा ताकि मैं उसे रीड कर सकूं, उसकी वैल्यूज को रीड कर सकूं। फिर मैंने थ्रेशोल्ड को 300 रखा एंड नाउ द व्हीकल्स विच विल एंटर फ्रॉम द राइट। जब कोई व्हीकल राइट से एंटर करेगी तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू ए से छोटी हो जाएगी और बी से बड़ी, मतलब काउंटर जितना होएगा वो +1 होएगा, मतलब हम काउंटर के अंदर एक ऐड कर देंगे, एक और कार ऐड होगी, नहीं तो काउंटर जितना है वो उतना ही रहेगा। उसके बाद अगर कोई कार सेंसर बी से पहले पास होती है तो उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी हो जाएगी और सेंसर ए से छोटी, मतलब हम काउंटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो काउंटर काउंटर के जितना ही रहेगा। इसका ऑपोजिट व्हीकल्स एंटरिंग फ्रॉम द लेफ्ट से एंड हियर इज द स्विचिंग ऑन द स्ट्रीट लाइट। अगर काउंटर 0 से बड़ा है तो स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रीट लाइट्स ऑफ रहेंगी, और अगर काउंटर 0 जितना है तो स्ट्रीट लाइट्स ऑफ। सो नाउ लेट्स गो टू द सर्किट डायग्राम एंड द पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। सो फॉर प्लस यू विल नीड ए आर्डुइनो यूनो बोर्ड, ए 9-volt बैटरी, 4 LDR modules, 2 LEDs, 4 lasers, आपको एक 5-volt की supply भी चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे अपनी DC regulated power supply use करी है, some jumper cables, a 220 ohm resistor. So now let's go to the circuit diagram. So here is the circuit diagram for plus. सबसे पहले मैंने दो LEDs ली जिन्हें मैंने Arduino के पिन नंबर 2 पे डिफाइन करा। उसके बाद मैंने 4 LDR modules लिए। फर्स्ट को मैंने Arduino के एनालॉग पिन नंबर A0 पे डिफाइन करा, सेकंड को एनालॉग पिन नंबर A1 पे, थर्ड को एनालॉग पिन नंबर A2 पे और फोर्थ को एनालॉग पिन नंबर A3 पे। उसके बाद मैंने 4 लेज़र्स ली, मैंने उनको एक एक्सटर्नल पावर सोर्स से 5 volts ली। आप भी अवॉइड करें 5 volts Arduino के 5 volt पोर्ट से देना। मैंने इन्हें अपनी 30-volt DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई से पावर दिया। सबसे मुश्किल काम इसके अंदर मेरे को ये लगा इन लेज़र्स को सेट करना LDR के फोटो रेजिस्टर पे, क्योंकि ये हमेशा इनके अलाइनमेंट हिल जाती, कभी राइट को कभी लेफ्ट को कभी ऊपर को कभी नीचे को। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके ट्राई करे। सबसे पहले मैंने एक रोबोट चेसी के ऊपर कुछ मैकेनिक्स के पार्ट लगा के इन्हें सेट करने की कोशिश करी, पर वो इतने हिलते थे, इट वॉज जस्ट अ मेस। उसके बाद मैंने इसे कार्डबोर्ड पर ट्राई करा, पर वो कार्डबोर्ड पर हॉट ग्लू गन चिपक नहीं रही थी। उसके बाद मैंने कुछ पॉपस्टिकल स्टिक्स ले, उसका स्टैक बनाया 6-6 का, उसके ऊपर मैंने ये लेज़र मॉड्यूल्स को रखा और फेविक्विक को एक ड्रॉप मैंने इनके नीचे पाया, फिर इनको अलाइन करा LDR के फोटो रजिस्टर के ऊपर। जब ये अलाइन हो गए मैंने इनको थोड़ी देर सूखने दिया, उसके बाद मैंने इन्हें होल्ड करके हॉट ग्लू गन से कवर कर दिया ताकि ये हिले ना, और ये मेरे को परफेक्ट वे लगा। आप भी इससे सही ट्राई करना। सो Here is the circuit diagram with the relay modules. You can pause the video or check the link in the description for both the circuit diagram and the code. So now let's see how I made plus. So firstly I bonded some sticks on the cardboard using Fevicol. Then I am affixing some double-sided tape for the LDR modules. Now I am affixing the LDR module on the double sided tape. Now I have soldered 3 wires on the LDR module. So now I have molded the legs of the LEDs for the street lamp. Here is the back side of the street lamp. Then I soldered 2 wires from the LED. Now I am securing the laser LEDs with the hot glue gun. After aligning the laser LEDs, here I am testing it. It also looks dope in the dark. Now I am connecting the jumper wires
for the Arduino. Now I am connecting the jumper wires as circuit. Now I painted the base of the street lamp in gold color. So now our project is completed. Thank you guys for watching. Please do like, share and subscribe. And also you can follow me on Instagram and Facebook at Class Projects by Sartaj. You can also find the exclusive photos of my projects, their description and their code at my website www.technotaj.com. And as always, I'll see you in the next video.